अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ फोर्स एंड मोशन के कुछ और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 62 ऑफ द बुक। यहाँ पे हमने कुछ सिंपल मशीन्स की टाइप्स पढ़ी थी। यहाँ पे आपको दो और टाइप्स के बारे में वो बता रहे हैं। द थर्ड वन इज़ गियर। अ गियर इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉमन व्हील इनटू टूथ व्हील। द व्हील ऑफ वन गियर यूजली फिट इनटू द गैप्स ऑफ द टीथ ऑफ अनदर गियर। गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ व्हील टू अनदर इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। यहाँ पे आपको वो एक और तरह की मशीन की बात कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मशीन्स में यूज़ होता है, बाइसिकल्स में भी यूज़ होता है। यहाँ पे एक इस तरह का व्हील है जिसके अंदर उभार बने होते हैं, प्रोट्यूजंस यानी कि उभार, रिजेस और फरोज भी कह सकते हैं। रिज मतलब ऊपर की तरफ उभार, फरो मतलब अंदर की तरफ उभार। जैसे कि आप तस्वीर में देखें, यहाँ पे उन्होंने आपको दो व्हील बताए हैं। एक का जो प्रोट्यूजन है, एक का उभार है, वो दूसरे के फरों के अंदर फिट हो जाता है। इस तरह से ये व्हील जो है वो एक दूसरे के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफ़र करते रहते हैं और जो मशीन है वो काम करती है। इस तरह से वही आपको बता रहे हैं कि जब ये फोर्स ट्रांसफ़र होगी तो उसकी वजह से हम जो व्हील की स्पीड है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आपको डिफरेंट साइजेस की बात बताएंगे। गियर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट नंबर्स आर यूज्ड इन मेनी मशीन्स सच एज ड्रिल, बाइसिकल, क्लॉक्स, ट्रक्स, बसेस, इंजन्स, इंडस्ट्रियल मशीन एंड मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिफरेंट साइज ऑफ गियर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की मशीन में यूज़ होते हैं, जैसे कि ड्रिल मशीन जो कि बड़े लेवल पे भी यूज़ होती है और हमारे घरों में एक छोटे लेवल पे भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइसिकल, क्लॉक्स, घड़ियाँ, ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं उनके मशीनरी के अंदर हम ये गियर्स यूज़ करते हैं, इंजन्स में या जो कारखानों की बड़ी बड़ी मशीन है उन सब में हम गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63 पे वो आपको एक और मशीन के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है रैम्प। इसको हम इंक्लाइंड प्लेन भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन कि इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन हैविंग अ फ्लैट सर्फेस विद वन हायर एंड देन द अदर। यहाँ पे वो एक इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बता रहे हैं। ये एक इस तरह की स्मूथ सरफेस होती है जिसका एक कोना ज़मीन के साथ लगा होता है और दूसरा कोना ज़मीन से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है, ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका यूजेज क्या है। विद द हेल्प ऑफ अ रैम्प और इंक्लाइंड प्लेन वी कैन कैरी थिंग्स फ्रॉम लोअर टू हायर प्लेसेस और हायर टू लोअर प्लेसेस ईजिली। जिस तरह के हॉस्पिटल्स में आपने देखा है एक इंसान कोई व्हील चेयर पर है और वो स्टेयर्स पर नहीं चढ़ सकता, तो हम उसको एक इस तरह के स्टेयर केस से लेकर जाते हैं जो कि इंक्लाइंड प्लेन की तरह बना होता है, एक स्लाइड की तरह बना होता है। उसकी एक साइड ज़मीन से टच करती है, उसके ऊपर हम व्हील चेयर को पुश करते हैं और व्हील चेयर फिर हम उस इंक्लाइंड प्लेन की मदद से उसको ऊपर की तरफ मूव करवा सकते हैं। यही वो कह रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन का मेन फंक्शन ये है कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, जो कि चीज़ें हमें लोअर प्लेसेस से हायर प्लेसेस पे लेकर जानी हो, निचली सतह से ऊपर वाली सतह पर जब लेकर जानी हो। इसी तरह हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वी यूज़ मेनी फॉर्म्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डेली, फॉर एग्जांपल केसेस स्टेयर्स, स्लैंटेड रोड्स, स्लाइड्स एंड रैम्प्स इन हॉस्पिटल्स फॉर कैरिंग स्ट्रेचर्स। वो ये कह रहे हैं जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, जो रोड स्लैंट कहते हैं, थोड़े टेढ़े रोड जो बने होते हैं, थोड़े टिल्टेड पोजीशन में जो हमारी सड़कें बनी होती हैं, स्लाइड्स जिन पे बच्चे जो हैं वो, ये एक तरह की किस्म है झूले की, एंड रैम इन हॉस्पिटल्स, जिस तरह कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब स्ट्रेचर्स पे या व्हील चेयर्स पर हमने लेकर जाना है ऐसे पेशेंट्स को जो खुद मूव नहीं कर सकते, तो उनको हम रैम पर लेकर जाते हैं। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। नाउ मूव ऑन टू द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। द नंबर वन इज़ द प्रोसेस ऑफ पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को हम अप्लाई करते हैं या तो पुश फॉर्म में या पुल के फॉर्म में। नंबर टू, द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंजेस इज पोजिशन ड्यू टू पुश और पुल इज कॉल्ड मोशन। वो प्रोसेस जिसकी वजह से बॉडी अपना कोई भी पुश और पुल की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसको हम मोशन कहते हैं। नंबर थर्ड, द अर्थ पुल्स बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर विद अ स्पेसिफिक फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। ज़मीन दुनिया की हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और इस खींचने की कशिश को हम ग्रेविटी कहते हैं।
फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चलती हुई चीज को रोकने में साबित होती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। नंबर सिक्स, राइटिंग विद पेंसिल एंड वॉकिंग ऑन द ग्राउंड आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, व्हाइल वियर आउट ऑफ टायर्स एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स ओवर टाइम आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स। जमीन पे चलना, पेंसिल से लिखना, ये तमाम हैं फ्रिक्शन के फायदे, जबकि टायरों का ख़राब हो जाना, मशीन्स का वक्त के साथ ख़राब हो जाना, ये सब नुकसानात हैं फ्रिक्शन के। जिससे कि आपको पता है हर चीज़ के फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसानात भी, तो इसी तरह उन्होंने फ्रिक्शन के आपको फ़ायदे और नुकसानात दोनों बता दिए हैं। एंड द लास्ट वन इज़ लिवर पुली एंड गियर एंड इंक्लाइंड प्लेन आर सिंपल मशीन दैट मेड आवर वर्क ईजियर। ये सिंपल मशीन के टाइप्स जिनको हमने अभी डिटेल में किया है, लिवर पुली गियर एंड इंक्लाइंड प्लेन, ये तमाम चीज़ें हमारे काम को आसान बनाती हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।